हेलो हेलो, तो उठ गए आप? कल का मैच देखा था? नहीं, कोई नहीं, अभी हम दिखाते हैं। थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो मैच शुरू होने से पहले ही होता है रंगारंग कार्यक्रम। अरिजीत की आवाज, ऊपर ड्रोन की म्यूजिक, नीचे अभिनेत्रियां। वाह, क्या सीन है भाई। क्या और उसके बाद आती है टॉस की बारी। टॉस जीतते हैं अपने कुंगफू पांड्या। टॉस जीत के कहते हैं, जाओ धोनी, आप करो पहले बल्लेबाजी। तो चेन्नई की टीम आती है बल्लेबाजी करने। ओपनिंग में आते हैं डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़। डेविन कॉनवे को मोहम्मद शमी कर देते हैं ऑन हिज वे। उसके बाद आते हैं मोइन अली। मोइन अली करते हैं शम्मी पर भारी होने की कोशिश, लेकिन राशिद मियां कहते हैं, शम्मी, इन्हें तो मैं देखता हूं। और अगले ही ओवर में कर देते हैं मोइन को चलता। उसके बाद आते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स भी खासा कुछ कर नहीं पाते। तरफ लगातार अंतराल पर गिर रहे होते हैं विकेट। उस तरफ ऋतुराज सोच के आते हैं, आज तो खेलने का नहीं, आज तो पेलने का है। ऋतुराज ये लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, टोटल लगाते हैं 9 छक्के। दूसरी तरफ पारी लड़खड़ाती रहती है और ऋतुराज लगाते रहते हैं लंबे लंबे छक्के। उन्हीं छक्कों में से एक को रोकने जाते हैं हमारे केन बाबा। केन हो जाते हैं वहां पर घुटनों पर और घुटने पकड़कर हो जाते हैं चोटिल। केन के चोटिल होते ही हमारी फैंटेसी टीम भी हो जाती है चोटिल। हमने बनाया था केन को कप्तान और यहाँ हम भी गए और केन भी गए, दो कंधों के सहारे। इसके बाद ऋतुराज ये शॉट पे शॉट, ये शॉट पे शॉट। दूसरी तरफ सब फिसुड्डी पे फिसुड्डी हो ही रहते हैं। क्या हमें मिलता है पहले मैच में ही सीजन का पहली सेंचुरी? नहीं, यहाँ पर अल्जारी जोसफ फेंकते एक लॉलीपॉप सी फुल टॉस बॉल और हाई फुल टॉस पे अचानक ऋतुराज हो जाते हैं शिकार और यहीं पर पारी हो जाती है लड़खड़ाती। गुजरात को लगता है हमारी तो हो गई बल्ले बल्ले, लेकिन अभी तो थाला आने बाकी है। महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और 7 गेंदों पर 14 रन लगा देते हैं और टीम का स्कोर पहुंचा देते हैं 178 पे। रात के लिए चटकाते हैं शम्मी 2 विकेट और अपने करते हैं 100 विकेट पूरे। राशिद खान भी 2 विकेट चटकाते हैं और अल्जारी भी 2 विकेट चटकाते हैं और जोशुआ लिटिल जो अपना डेब्यू कर रहे होते हैं उन्हें मिलता है 1 विकेट। अब आती है गुजरात की बारी। गुजरात के लिए ओपनिंग में आते हैं शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा। दोनों जबरदस्त शुरुआत देते हैं और मैच को खींचने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ, लेकिन यहाँ पर आते हैं डेब्यूटेंट राजवर्धन हांगरकर। राजवर्धन हांगरगेकर आते हैं, राजवर्धन हांगरगेकर छाते हैं और रिद्धिमान साहा को करते हैं बाहर कर देता। अब यहाँ पर गुजरात ले लेती है इंपैक्ट प्लेयर केन विलियमसन के बदले, बुला लेती है साई सुदर्शन को। उधर चेन्नई बुला लेती है अंबाती रायडू की जगह पर तुषार देशपांडे को। उसके बाद राजवंदर हांगरगेकर करते हैं साई सुदर्शन को भी बाहर। जिम्मा आता है हार्दिक पांड्या पे। हार्दिक पांड्या बॉलिंग में तो रहे थे फिसड्डी, लेकिन बैटिंग में भी रविंदर जडेजा के मारने जाते हैं स्विप और हो जाते हैं क्लीन बोल्ड। यहाँ पर सर जडेजा उन्हें करते हैं बाहर। अब इसके बाद चेन्नई को तो लग रहा था मैच हमारी पकड़ में है, लेकिन शुभमन गिल दूसरे छोर पर क्या लाजवाब शॉट पे शॉट लगाते हैं और मैच जैसे ही अब लगता है कि गुजरात की तरफ होने वाला है तो फिर एक और ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पर शुभमन गिल हो जाते हैं एक बार फिर से शिकार तुषार देशपांडे का और तुषार देशपांडे यहाँ पर अपना पहला विकेट चटकाकर बड़े खुश होते हैं। अब उसके बाद लगता है कि मैच गया चेन्नई की तरफ। तो यहाँ पर विजय शंकर आते हैं, 1-2 छक्के लगाते हैं, मस्त शॉट लगाते हैं, मैच को करते हैं गुजरात की तरफ। लेकिन राजवंदर हांगेकर फिर से आते हैं और करते हैं विजय शंकर को बाहर। अब फिर से मैच लगता है गया चेन्नई की तरफ, लेकिन अभी तो राशिद मियां आने बाकी हैं। राशिद मियां आते हैं और 2 ओवर में चाहिए होते हैं 23 रन।
और दीपक चार को पहली गेंद पर लगाते लंबा छक्का और फिर उससे अगली गेंद पर चौका। यहाँ पर राशिद मियां कर देते हैं बल्ले बल्ले। अब आखिरी ओवर में चाहिए 6 पे 8 रन। तो यहाँ पर गुजरात करती है तेवतिया तेवतिया, और तेवतिया भी अपने फैंस को नाराज नहीं करते, कहते हैं मजा मा रहो। और ये लंबा छक्का लगाते हैं तुषार देश पांडे को, और अगली गेंद पर चौका लगाकर मैच को कर देते हैं फिनिश। और यहाँ पर चेन्नई को हार का सामना करना पड़ता है और गुजरात की हो जाती है बल्ले बल्ले। अब गुजरात के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए शुभमन गिल ने, और चेन्नई के लिए विकेट चटकाए राजवेंद्र हेंगरकर ने 3, एक विकेट चटकाया तुषार देश पांडे ने, एक विकेट चटकाया रविंद्र जडेजा ने। तो आपको मैच में मजा आया हो या ना आया हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।